वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच एस सी क्रू। इस वीडियो में हम निबोश आईजीसी IG1 लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 7 को देखेंगे और इसमें हम एलिमेंट 2.2 को कवर करेंगे और जो सब टॉपिक्स हम इसमें देखेंगे दैट आर इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, थ्री पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2.1 को कवर किया है। अगर अभी तक आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे तो आप इसी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल डाउन करके ये लेक्चर्स देख सकते हैं। देयर इज अ प्रीलिमिनरी नोट, द मेन पर्पस ऑफ दिस निबोश आईजीसी IG1 लेक्चर सीरीज इज जस्ट टू कन्वे द नॉलेज, नथिंग मोर देन दिस। एंड देयर इज ऑल्सो अ स्पेशल रिक्वेस्ट, इफ यू आर फाइंडिंग दिस कॉन्टेंट हेल्पफुल देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलते हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ। डिस्कस द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दैट मेक्स इट इफेक्टिव, इंक्लूडिंग पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अरेंजमेंट्स। तो बेसिकली हम 2.2 में पॉलिसी के बारे में देखेंगे जो कि हमारे पास मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एलिमेंट 2.2 है। तो इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है ये हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, बिकॉज जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या हेल्थ एंड सेफ्टी के अरेंजमेंट्स होते हैं कंपनी पॉलिसी के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो द फाउंडेशन स्टोन फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है ये एक फाउंडेशन स्टोन होती है फॉर द गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड्स के लिए, बिकॉज इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा सेट आउट्स ऑर्गेनाइजेशंस एम्स, तो ऑर्गेनाइजेशन के एम सेट करता है। तो बेसिकली KPIs को ही हम पॉलिसी में एज अ एम सेट करते हैं, जिसमें हमारे पास KPIs जैसा कि इंसिडेंट एक्सीडेंट रेट को कम करेंगे, सिक एब्सेंटिज्म रेट को कम करेंगे, लॉ कंप्लाइंस को जो है वो इम्प्रूव करेंगे, इन्फोर्समेंट एक्शंस को कम करेंगे, वर्कर कंप्लेंट्स को कम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास KPIs में आ जाती है, तो ये पॉलिसी में सेट किया जाता है एज अ एम। आइडेंटिफाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दीज एम, पॉलिसी में ये भी मेंशन किया जाता है कि किस की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी फॉर अचीविंग दीज हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको अचीव करने के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टॉप मैनेजमेंट की, मिडिल मैनेजमेंट की और वर्कर्स की असाइन की जाती है। इसलिए भी ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट इज स्टेट्स हाउ द एम्स आर टू बी अचीव्ड, मतलब कि अब प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट्स कंडक्ट की जाएंगी, मेथड स्टेटमेंट्स कंडक्ट की जाएंगी, ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाएंगी, बताया जाएगा कि ये एम्स को किस तरह से इफेक्टिवली अचीव करना है सेफली काम करते हुए। स्पेसिफिक टू द ईच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेटली पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन रिस्क प्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन वाइड स्प्रेड ऑफ द कंपनी, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर कंपनी टू कंपनी पॉलिसी जो है वो वेरी करती है। नेक्स्ट इज नोट नॉट टू कन्फ्यूज विद पॉलिसी इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और पॉलिसी दो अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलिसी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है, बल्कि जो गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जिसको फाउंडेशन स्टोन भी कहा गया है, उसे हम पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक ग्रुप डिस्क्रिप्शन है, व्हाई माइट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशंस बी डिफरेंट, दो ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्यों डिफरेंट होती है, या फिर एक इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, Why isn't there is a prescribed one size fit all approach for developing the policy? एक ही तरीके की पॉलिसी सारी कंपनीज के लिए डेवलप क्यों नहीं कर दी जाती? तो देखिए, दो कंपनियां जिन वजूहात की वजह से, जिन रीजंस की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, उन्हीं रीजंस की वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी दोनों कंपनीज की डिफरेंट होती है। जैसा कि एक हमारे पास टेक्सटाइल कंपनी है और दूसरी ऑयल एंड गैस की कंपनी है, तो दोनों की पॉलिसी डिफरेंट होगी। और सेवरल फैक्टर्स जैसा कि रिस्क प्रोफाइल्स, हैजर्ड्स और रिस्क की अगर बात कर लें, दोनों कंपनियों में डिफरेंट हैजर्ड्स और रिस्क हो सकते हैं, प्रोडक्शन रेट डिफरेंट हो सकता है, वाइड स्प्रेड ऑफ एरिया डिफरेंट हो सकता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, स्टेटटोरी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है, जिनकी बेसिस के ऊपर कंपनी की पॉलिसी दूसरी कंपनी की पॉलिसी से डिफरेंट हो सकती है। इसमें हम टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वर्क पैटर्न्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इन सब वजूहात की वजह से कंपनी की पॉलिसी दूसरी कंपनी की पॉलिसी से डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट देयर इज आल्सो अ ग्रुप डिस्कशन, व्हाई इज एन ऑर्गेनाइजेशन्स हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज सो इंपॉर्टेंट, तो क्यों जनाब इंपॉर्टेंट है? अभी हमने इस स्लाइड को पढ़ा है, ये हमारे पास एक फाउंडेशन स्टोन, एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया जाता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया जाता है, लॉ को फॉलो करने और कंप्लायंस करने के बारे में कमिटमेंट की जाती है, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होती है,
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन किया जाता है और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प आउट करती है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसलिए जनाब पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट इज व्हाई माइट टू ऑर्गेनाइजेशंस डूइंग सिमिलर बिजनेस हैव डिफरेंट पॉलिसीज। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सिमिलर बिजनेस भी कर रही हो तो उसमें भी ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। जैसा कि मैन पावर एक कंपनी की ज्यादा है, 500 बंदा काम कर रहा है, दूसरी में 5000 बंदा काम कर रहा है, दोनों की पॉलिसी डिफरेंट होगी। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस, एक कंपनी जो है वो हाइड्रल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, दूसरी कंपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी ही बना रही है लेकिन वो हमारे पास आप ये कह लें थर्मल पावर प्लांट है या फिर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो दोनों की टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस डिफरेंट है। एक कंपनी मैनुअल मशीन्स यूज कर रही है, दूसरी कंपनी ऑटोमेटेड मशीन्स यूज कर रही है, पॉलिसी डिफरेंट होगी। एरिया वाइड स्प्रेड, एरिया एक कंपनी 5 एकड़ में है, एक कंपनी 500 एकड़ में है, तो डेफिनेटली दोनों की पॉलिसी क्या होगी, डिफरेंट होगी। प्रोडक्शन रेट, एक कंपनी 100 यूनिट्स बना रही है, दूसरी कंपनी 10,000 यूनिट बना रही है, दोनों की हमारे पास पॉलिसी डिफरेंट होगी। ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक कंपनी यूएई में है जहाँ पे टेम्परेचर 55 तक जाता है हमारे पास समर सीजन में, और एक कंपनी कनाडा में है जहाँ पे टेम्परेचर -40 तक जाता है विंटर सीजन में, तो दोनों की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिफरेंट होगी। इसके अलावा स्टेट लॉज है, स्टैंडर्ड्स कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं, कौन सा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इनकी बना के ऊपर दो कंपनीज जो कि सिमिलर बिजनेस कर रही हों उनकी पॉलिसी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस। आर्टिकल 14 आईएलओ रिकमेंडेशन R164 रिक्वायर्स दैट इंप्लॉयज टू सेट डाउन इन राइटिंग पॉलिसी एंड अरेंजमेंट फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। आईएलओ R164 रिकमेंडेशन 164 का आर्टिकल 14 रिक्वायर करता है कि पॉलिसी रिटन फॉर्म में होनी चाहिए एक कंपनी की, वेयर द सर्कमस्टांसेस वारंट्स इट। सर्कमस्टांसेस वारंट्स इट मतलब कि एक बंदे ने एक छोटी सी शॉप बनाई है, अब उसको जरूरी नहीं है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या उसकी पॉलिसी बनाए, बिकॉज वहाँ पे हैजर्ड्स और रिस्क ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जहाँ पे मैन पावर इनफ है, हाई रिस्क हैं या हैजर्ड्स इनफ हैं, वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए इन रेडिली अंडरस्टूड लैंग्वेज और मीडियम। तो इसमें यह भी बताया गया है कि अगर एक कंपनी में एक से ज़्यादा नेशनैलिटी के लोग काम कर रहे हैं, जैसा कि सऊदी अरेबिया या यूएई में सऊदी अरेबिया से भी लोग होते हैं जो कि नेटिव अरेबिक स्पीकिंग होते हैं, पाकिस्तान से लोग जाते हैं, इंडिया से लोग जाते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, फिलीपीन से आते हैं, सबकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो डिफरेंट लैंग्वेज में पॉलिसी को ट्रांसलेट करना है ताकि सारे इसको अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट इज द 3 पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। तो देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन एंड अरेंजमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, व्हाट इज गोइंग टू बी डन। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट 1 पेज चीज होती है, 1 सिंगल पेज के ऊपर मतलब रिलाई करते हैं। किसी भी कंपनी में जाएं तो उसकी रिसेप्शन के ऊपर पॉलिसी का एक पेज लगा होता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। इसमें मेन मेन स्लोगन या मेन मेन एम्स जो होते हैं वो लिखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, और इसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट सीईओ या एमडी साइन करता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, हु इज गोइंग टू डू इट। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन ऑफ द पॉलिसी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है कि कौन सा बंदा टॉप मैनेजमेंट में क्या काम करेगा, मिडिल मैनेजमेंट में क्या काम करेगा, और वर्कर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, दैट इज कम्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट्स, हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। अरेंजमेंट सेक्शन ऑफ द पॉलिसी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, इसमें रिस्क असेसमेंट्स इंक्लूड होती हैं, मेथड स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती हैं, वर्किंग प्रोसीजर्स इंक्लूड होते हैं, ट्रेनिंग्स इंक्लूड होती हैं, इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग प्रोसीजर्स इंक्लूड होते हैं। ये एक डिटेल्ड, एक थिक, एक हैवी डॉक्यूमेंट होता है जो कि पॉलिसी में अलग से पाया जाता है, और ये A to Z सारे क्राइटेरियाज को इसमें मेंशन किया जाता है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, सेटिंग ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में ओवरऑल एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, जैसा कि 10% इंसिडेंट एक्सीडेंट को कम कर दिया जाएगा, हमारे पास सिक एब्सेंटिज्म को 15% कम कर दिया जाएगा, स्टाफ टर्नओवर रेट को 15% कम कर दिया जाएगा, वर्कर कंप्लेंट्स को कम कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को ही इसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे यूज किया जाता है। कंप्लाइंग विद द लॉज, लॉ के साथ कंप्लाई को मेक श्योर किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में, ये रिटन में लिखा जाता है। अचीविंग स्टैंडर्ड्स, जो भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, OSHA के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, ILO के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, इनको फॉलो करने की कमिटमेंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में लिखी जाती है। रिमाइंड द वर्कर्स एट ऑल लेवल ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में शॉर्टली इसमें लिखा जाता है। साइंड एंड डेटेड बाई द मोस्ट सीनियर पर्सन, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या MD मैनेजिंग डायरेक्टर पॉलिसी को साइन करता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को। रेगुलर रिव्यूज, ईयरली इसको रिव्यू किया जाता है, और सर्टन अदर सर्कमस्टांसिस में भी पॉलिसी को या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को रिव्यू किया जाता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम उनको कवर करेंगे।
Next is setting smart objectives. Smart stand for specific, measurable, achievable, reasonable and time bounded. Basically smart ek acronym hai. Specific, clearly defined or precise objectives hone chahiye. Measurable, towards target quantified hone chahiye ki hum quantify kar sake, calculate kar sake. Achievable, it can be done. Matlab ke physically ya reality mein ye possible hone chahiye. Reasonable, within time scale and resources, jitne bhi resources ya time scale mein ye achievable hone chahiye. Time bounded deadline aur time scale mention hona chahiye. Ek example hai ji, review all 48 risk assessments in 12 month of time period. Ab dekhen ye specific bhi hai, measurable bhi hai, achievable bhi hai, reasonable bhi hai, time bounded bhi hai. To ye ek smart objective hai. Agar hum yahi baat likh de ki review 48 risk assessments in 12 minutes, aisa possible nahi hai. हालांकि टाइम बाउंडेड है लेकिन अचीवेबल नहीं है, रियलिटी में ये अचीवेबल नहीं. तो ऐसी चीज जो के अचीवेबल हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, रीजनेबल हो, टाइम बाउंडेड हो, उसे हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कहते हैं. तो हमें भी अपनी लाइफ में स्मार्ट ऑब्जेक्टिव ही सेट करने चाहिए. नेक्स्ट इज सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स. इट विल बी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर. जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं तो कौन कौन सी चीजें उसमें कंसीडर करनी है. फर्स्ट वन इज हु इज गोइंग टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स. देखिए अगर वर्कर्स ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो माइट भी वो इफेक्टिव नहीं होंगे. तो यूजली कंपनी में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है बिकॉज उन्होंने रिसोर्सेज एलोकेट करने, उन्होंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी, उन्होंने बजट देना है. सो वो जो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे वो ज्यादा वेटेज रखेंगे. हाउ ऑब्जेक्टिव विल बी सेट एट ईच फंक्शनल लेवल. टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, अब मिडल मैनेजमेंट में कौन सा बंदा क्या काम करेगा, वर्कर टीम्स कौन सा क्या काम करेगी ताकि कलेक्टिवली वो ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव किया जा सके. तो हर फंक्शनल लेवल के ऊपर हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, मेक श्योर करना है कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जा रहे हैं उसमें लीगल और अदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल हो रही हों. हैजर्ड्स एंड रिस्क्स जो हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो हमने जो हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं ये ओवरऑल रिस्क या हैजर्ड को इंक्रीज तो नहीं कर रहा. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन. जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन होंगे उनको हम यूटिलाइज करेंगे, उनको हम कंसिडर करेंगे वाइल सेटिंग द स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स. फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को भी हम देखेंगे. ये ना हो कि हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर इतने पैसे लगा दें कि ऑपरेशनल कॉस्ट ही हमारे पास अवेलेबल ना हो, रॉ मटेरियल के लिए पैसे ना बचे. तो हमने देखना है कि फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना है जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं. व्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज. इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, जैसा कि इंश्योरेंस कंपनी है, जैसा कि इन्वेस्टर्स हैं, जैसा कि शेयर होल्डर्स हैं. तो जब भी कोई स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो इनको भी लूप में लेंगे कि हम ये काम करने जा रहे हैं, इसमें आपकी गाइडेंस या इसमें आपकी रहनुमाई हमें चाहिए होगी, उनको भी हम लूप में लेंगे तो वो एक अच्छा जेस्चर जाएगा. नेक्स्ट इज अ ग्रुप एक्सरसाइज. टारगेट्स मे बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू शो द कमिटमेंट टू इम्प्रूवमेंट. कौन कौन से टारगेट सेट कर सकते हैं या कि व्हाट टारगेट्स कुड बी इंक्लूडेड इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट. तो बेसिकली KPIs को हम इंक्लूड करेंगे कि हम इंसिडेंट एक्सीडेंट्स को कम करेंगे, सिक एब्सेंटिज्म को कम करेंगे, स्टाफ टर्नओवर को कम करेंगे, वर्कर कंप्लेंट्स को कम करेंगे, इन्फोर्समेंट एक्शंस को हम कम करेंगे, लीगल और स्टैंडर्ड कंप्लायंस को इंप्रूव करेंगे. ये सारे टारगेट्स हम जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में इंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम एलिमेंट 2.2 को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन ऑफ द पॉलिसी को देखेंगे और अरेंजमेंट सेक्शन ऑफ द पॉलिसी को देखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू आर फाइंडिंग दिस कंटेंट हेल्पफुल डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन द वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज.